स्वागत है आपका स्वागत है आपका एग्रीकल्चर रोजगार विद डीके गौतम चैनल में। आज हम आपको फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कुछ बताने आएंगे। प्लांट ब्रीडिंग पहला चैप्टर है इसमें। प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, आज हम आपको प्लांट ब्रीडिंग होते क्या, डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है। प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है। प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है। क्या है? प्लांट ब्रीडिंग आर्ट है, एक कला है, एक टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? प्लांट, ये बनाया हमने एक प्लांट क्रॉप, प्लांट का पेड़ बना दिया। एक ये प्लांट है, प्लांट क्या है? इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर। प्लांट ब्रीडिंग आर्ट है, एक कला है, एक साइंस है। तो इस प्रकार के माध्यम से हम आपको बताने चाह रहे हैं बहुत शॉर्ट ही ट्रिक से आपको कैसे प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन याद हो जाएगी। जब वुमेन जब किसी मनुष्य द्वारा प्लांट ब्रीड जब किसी मनुष्य द्वारा इस आर्ट में, इस साइंस में, इस टेक्नोलॉजी से किसी प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके किसी प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स प्रॉफिट जब किसी मनुष्य के द्वारा इस आर्ट से, इस साइंस से, इस टेक्नोलॉजी से किसी प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके या चेंज करके इकोनॉमिक्स प्रॉफिट होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। वो चेंज क्या हो सकता है? वो यील्ड हो सकता है, हाईएस्ट एज लो जाएगा, हायर यील्ड हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है। जब किसी पौधे के जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके उसमें हाईएस्ट यील्ड या उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसमें अक्षर सी बात है कि इकोनॉमिक्स प्रॉफिट होगा। जब इकोनॉमिक्स प्रॉफिट होगा तब वो क्या हो जाएगा? वही प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। हम आपको एक अच्छी तरीके से बता देते हैं। जब किसी मनुष्य के द्वारा इस आर्ट से, इस साइंस से, इस टेक्नोलॉजी से किसी पौधे के जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके उससे इकोनॉमिक्स प्रॉफिट होती है, उससे इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग
ऑब्जेक्टिव। प्लांट ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? हायर यील्ड, हायर यील्ड। ये क्या है हायर यील्ड? हमारे सबसे नंबर वन पर रखी जाती है हायर यील्ड, मतलब अधिक उपज। तो अधिक उपज ये हमारे इंडिया में अधिक उपज ही रखी जाती है सबसे फर्स्ट नंबर पे, अधिक उपज देखी जाती है। क्वालिटी नंबर दो पे रखी जाती है, अधिक उपज नंबर फर्स्ट पे रखी जाती है। क्योंकि ऐसा है हमारे भारत में जनसंख्या कुछ ज़्यादा है, तो अगर हम क्वालिटी देखते रहे तो इसका मतलब है क्वालिटी के चक्कर में तो ये हाईएस्ट यील्ड भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम हाई पहले फर्स्ट नंबर रखते हैं हाईएस्ट यील्ड, अधिक उपज। अधिक उपज, अधिक उपज कैसे होगी? जब किसी पौधे के जेनेटिक स्ट्रक्चर में उसमें परिवर्तन करके ऐसी किस्मों को तैयार करा जाए जिससे अधिक उपज मिल सके, वही हायर यील्ड हो जाएगी।